जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल चेंज। व्हाट इज सोशल मूवमेंट वी विल बी स्टडीइंग एंड व्हाट इज सोशल चेंज। सोशल मूवमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप दैट एक्ट्स कॉन्शियसली टू प्रमोट और रेजिस्ट चेंज थ्रू कलेक्टिव एक्शन। क्या होता है कि जब एक कोई भी एक ऑर्गेनाइज या स्पेशल ग्रुप होता है जो किसी पर्पस के लिए काम करता है जिसमें कलेक्टिव उसका एक एक्शन। सोशल मूवमेंट जो है कोई भी एक स्ट्राइक्स वगैरह सुनी नहीं है आप लोगों ने, स्ट्राइक्स हो जाना, लॉकडाउन होता है तो किसी जगह को लॉक कर देते हैं, तो उसमें जो एक प्रॉपरली एक ग्रुप होता है जो पावर में आ जाता है और वो सबको कंट्रोल कर रहा होता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जो कि कॉन्शियसली एक्ट कर रहा होता है, या तो किसी चीज की पब्लिसिटी करा रहा होता है, प्रोमोट कर रहे होते हैं, या फिर चेंज को रेजिस्ट कर रहे होते हैं कलेक्टिव एक्शन। क्योंकि जब बैनर्स उठाकर लोग जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं, जब भी ये वोटिंग का टाइम आता है, इलेक्शंस का टाइम आता है, तो लोग बहुत ज्यादा अपनी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, उसमें उनके पास एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, चाहे उन्होंने उसको पे करके हायर किया हो या कुछ पर्सनल बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं या लोगों को लग रहा होता है कि ये हमारी बेटरमेंट के लिए काम करेगा सिंसियरली, तो इमोशनली इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो उसकी प्रमोशन के लिए काम करते हैं। उसमें भी एक कलेक्टिव, उनके पास एक ग्रुप होता है और एक कलेक्टिव एक्शन होता है जो कर रहे होते हैं कॉन्शियसली। एक और एग्जांपल किस तरह आती है कि रेजिस्ट किस तरह करते हैं चेंज को, कोई चीज हो जाती है, फॉर एग्जांपल अभी स्ट्राइक्स हुई हैं, लाइक अभी जो लॉकडाउन हुआ है तो उसमें प्राइवेट स्कूल्स वालों को बहुत ज्यादा वो हो रहा था कि जी हमारी स्कूलिंग बंद हो गई है और उनका बिजनेस जो है वो नहीं चल रहा लॉकडाउन की वजह से, तो दे वर ट्राइंग टू डू सम काइंड ऑफ स्ट्राइक्स और इस तरह के एक्शन लेना चाह रहे थे। तो वो जब किसी चीज को रेजिस्ट, यानी कि लॉकडाउन हो गया है कल से स्कूल्स नहीं खुलेंगे, तो अब रेजिस्ट किया जा रहा होता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। वसिया ने चैट बॉक्स में मैसेज किया है कि जी ये पहले ये फलस्तीन का जो है उसके लिए जी फ्री करें उनको, उसके लिए भी जो सोशल मूवमेंट्स हो रही हैं स्ट्राइक्स, उन सबको कलेक्टिवली सोशल मूवमेंट्स कहा जाता है। ओके, सो सोशल मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है? ग्रास रूट्स लेवल्स, यानी कि बहुत बेसिक जो है कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं जहाँ से, जीरो से स्टार्ट होती है, फिर ये आगे से एक्सटेंड करती है और बढ़ती है। इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है कि बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनके ऊपर जो है वो सोशल मूवमेंट्स की जा सकती हैं। इसमें कुछ टाइप्स होती हैं सोशल मूवमेंट्स की, कुछ होती हैं जिनको रिफॉर्म मूवमेंट्स कहा जाता है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होती हैं, रिलीजियस मूवमेंट्स होती हैं, ऑल्टरनेटिव मूवमेंट्स एंड रेजिस्टेंस मूवमेंट्स होती हैं। अच्छा जी, रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या होती है? रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है वो सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए वो वाली मूवमेंट्स की जाती हैं, जिसमें जो सोशल स्ट्रक्चर बनाया गया है उसको चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक हुआ था, ये रेप केस हुआ था मोटरवे का, तो उसमें ये बहुत ज्यादा चीज आ रही थी कि जो कल्पित है, वो जो रेपिस्ट है सॉरी, उसको जो है हैंग टिल डेथ करना चाहिए, उसको जो है वो पब्लिकली हैंग करना चाहिए, सो दैट दूसरों के लिए जो है वो एक जो है एक लेसन हो और कोई आगे से फर्दर इस तरह से कुछ ना हो। तो वो एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वो चेंज करना चाह रहे हैं, लॉ के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए, बिकॉज ये करेंगे तो सोसाइटी में नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो ये रिफॉर्म मूवमेंट्स में आता है। फिर फर्दर आ जाता है कि आप इसके लिए कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर पे काम करना चाह रहे हो, तो आप कहते हो कि बच्चे जो है पाकिस्तान में कहीं पे किसी जगह पे बच्चे जो है वो 18 इयर्स टू लेस जो है वो एम्प्लॉयड नहीं होगा, जॉब नहीं कर सकते हैं, तो जो है उनके लिए रिफॉर्म मूवमेंट्स हो सकती है, बिकॉज आप अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, आप उनको एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहे हो, तो एजुकेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हो, इन मूवमेंट्स को कहते हैं रिफॉर्म मूवमेंट्स। फिर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आती हैं, वो मूवमेंट जो कि आपकी पूरी सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर आ सकती है, उन मूवमेंट्स को कहते हैं कि ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप मूवमेंट देख लो जिसमें आप पूरी सोसाइटी को चेंज करना चाह रहे हो, कि अगर पाकिस्तान में अगर आप रहते हो और आपका है जी के अभी फॉर एग्जांपल कि आप पूरी सोसाइटी में प्रमोट करना चाह रहे हो कि आप जो हो वो करो, हैंड सैनिटाइज करें और जी मास्क पहने, तो ये रेवोल्यूशनरी है, पूरा आप सोसाइटी में चेंज लाना चाह रहे हो जिसमें आप चाह रहे हो कि सब लोग इस तरह से करें, तो उसमें भी आप जी कंपेन्स चलाओगे, सोशल मूवमेंट्स करोगे लोगों को अवेयरनेस देने के लिए,
और वो जो है अगर जिस तरह से एक और आ जाती है कि जिसमें ये पोलियो के होता है, तो वो भी एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, वो आप चेंज कराना चाह रहे हो सोसाइटी में कि सब लोग इस चीज की तरफ आए, एक्सेप्ट करें, तो टोटल आप सोसाइटी को चेंज करते हो, तो डोर टू डोर वहां जाके वो किया जाता है। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं जो पूरी सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, या फॉर एग्जाम्पल के जो अगर आप टिपिकल एक पॉलिटिकल परस्पेक्टिव से देखो, तो टिपिकल एक चीज चल रही है या बहुत ज्यादा उसके ऊपर, तो अब आप चेंज चाह रहे हो कि जी कोई अच्छा पॉलिटिशियन आ जाए, तो उसके ऊपर जो आप करते हो वो पॉलिटिक्स में चला जाता है। बट इस तरह से अगर आप कोई स्पेसिफिक एक चीज ले रहे हो उसके ऊपर आप चेंज लाना चाह रहे हो तो पूरी सोसाइटी के अंदर, तो वो जो मूवमेंट्स होती हैं उनको कहते हैं कि ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं। अच्छा, रिलीजियस मूवमेंट्स हो सकती हैं जिनमें आप देखते हो कि रेशियल चेंज आता है, एथनिसिटी का चेंज आता है कि जी सब लोग इक्वल होने चाहिए, या इस तरह के कोई भी हो सकते हैं जिसमें स्पिरिचुअल और सुपरनैचुरल बिलीव्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ब्लास्फेमी का जो केस होता है, इसमें सब लोग निकल कर आ जाते हैं, या इस तरह से कि हमारे रिलीजन के ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, कोई रिलीजियस स्कॉलर कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है, कंपेन चल जाती है। फेसबुक पे कोई कर दे इस तरह तो कंपेन हो सकती है। तो रिलीजियस और जो स्पिरिचुअल कंटेंट जिसमें आते हैं, आप लोगों के बिलीफ सिस्टम्स आते हैं उनके ऊपर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में काउस को स्लॉटर नहीं किया जाता है, तो वो जी उनको एक प्रेस्टिजियस वो दी जाती है, तो वो अगर वहां पे कोई इस तरह कर दे तो उसके अगेंस्ट भी एक मूवमेंट हो सकती है। तो जो रिलीजियस मूवमेंट्स आती हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आता है ऑल्टरनेटिव मूवमेंट्स। ऑल्टरनेटिव मूवमेंट्स जो होती हैं वो लिमिटेड चेंज को सीक करती है इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल के कोई एक इंडिविजुअल ने कोई बिहेवियर परफॉर्म किया है और उसके ऊपर जी आप उसके अगेंस्ट हो, तो आप उसके लिए स्ट्राइक कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल जी के ये लास्ट टाइम हुआ जब ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे, ऑनलाइन स्टडी कराई जा रही थी, और एग्जाम जब हुआ तो उस टाइम पे जी लॉकडाउन थोड़ा सा कम था, तो ये हो गया कि एग्जाम जो है वो ऑन कैंपस होगा, तो इस पे एक लिमिटेड सा इशू था, लेकिन इस पे बच्चों ने स्ट्राइक कर दी, तो वो एक सोशल मूवमेंट निकाल दी कि जी आप लोग इस पे है ना यूनिवर्सिटी एक्शन ले, या इस तरह का जो एक्ट होता है वो अल्टरनेटिव मूवमेंट्स होती हैं जिसमें आप लिमिटेड चेंज कर रहे होते हो कुछ सम एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। लास्ट टाइम पॉजिटिव ये होता है कि आपको अपने पर्पस अचीव हो जाता है। वो होती हैं जो ऑलरेडी एक डिसीजन ले लिया गया हो उसके ऊपर जब चेंज को रिजिस्ट किया जाता है, तो जो मूवमेंट्स होती हैं उनको रिजिस्टेंस मूवमेंट कहते हैं। जो इनकी स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो कहते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, जब एक कोई प्रॉब्लम आती है, कोई थ्रेटनिंग प्रॉब्लम आती है, लोग अवेयर होते हैं कि अच्छा जी ये प्रॉब्लम आ रही है, जब अवेयरनेस हो रही है उस प्रॉब्लम के बारे में, वो प्रिलिमिनरी स्टेज है। क्वेलिसेंस स्टेज क्या होती है? पीपल बिगिन टू ऑर्गेनाइज एंड स्टार्ट मेकिंग द थ्रेट नोन टू पब्लिक। जो थ्रेट इंडिविजुअल को लग रहा है कि यार ये थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें अवेयरनेस आ रही है, उसको अब पर्सनल से वो पब्लिक पे ले जाते हैं, वो लोगों को बता रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें इस पे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इस तरह करके वो अपनी एक कम्युनिटी को जो है वो इकट्ठा करते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशनलाइज स्टेज होती है जिसमें एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, कम्युनिटी इकट्ठी हो गई, बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लिया, अब एक ग्रुप बन गया है, अब वो जाके जी रोड पे निकल जाएंगे, या उनका जो भी प्रॉपर जो है वो है, फॉर एग्जाम्पल असेंबली में जाना है, पॉलिटिशियंस के पास जाना है, कहाँ जाना है, यूनिवर्सिटीज का इशू है, किसी भी हॉस्पिटल का इशू है, लाइक डॉक्टर्स ने लास्ट टाइम स्ट्राइक की हुई थी किस चीज़ पे, नर्सेज की स्ट्राइक होती है, तो वो जिस तरह के हैं तो हॉस्पिटल में जाना है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को देन जाके वहां पे करते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि सोशल मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी सोशल मूवमेंट का डेवलप होता है। सबसे पहले उनको अवेयरनेस आती है कि प्रॉब्लम आ रहा है, उसके ऊपर वो फिर लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर वो ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद वो जाके काम करते हैं। सो दिस सोशल मूवमेंट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एक्शन, इट कैन नेवर बी डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एक्शन। ओके, देन सोशल मूवमेंट थेरीज में तीन आती हैं। रिलेटिव डेप्रीवेशन स्ट्रक्चर आता है जिसके अंदर पीपल कंपेयर अचीवमेंट्स, बिकम डिसकनेक्ट कंटेंट एंड ज्वाइन सोशल मूवमेंट टू गेट देयर फेयर शेयर। कहता है कि लोग जो है अपनी अचीवमेंट्स को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, जब उन्हें लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपनी जिंदगी में जो अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह की जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं जो आवाज उठा रहे हैं अपने अंदर की, ये लोग फिर उन लोगों के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो ये उस तरह की किसी स्पेसिफिक सोशल मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, जब ये सोशल मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं तो
तो इनको पूरे कंप्लीट बेनिफिट्स तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ भी फेयर शेयर यानी कि किसी हद तक उनका फायदा हो जाता है या उनको कोई बेनिफिट मिल जाता है, तो दे फील के कंटेंट फील करने लगते हैं, थोड़ा सेटिस्फाइड फील करने लगते हैं। कहता है कि जब कोई उसको लोग जो है उस तब किसी मूवमेंट को पार्टिकुलर मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं जब वो देखते हैं कि इनके पास कोई रिसोर्सेज हैं कि हाँ अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कोई बेनिफिट होगा इस मूवमेंट को ज्वाइन करने का, तो जो है लोग वो मूवमेंट ज्वाइन करेंगे जब वो देखते हैं कि इनके पास की रिसोर्सेज हैं जो बेसिक आपको चाहिए जी, फूड है, बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, अगर हम जा रहे हैं वहां पे हमारी जी रुकना भी पड़ता है हमें स्ट्राइक के लिए, तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं इसके लिए, स्ट्राइक्स को चलाने के लिए भी आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो लोग ये विजिलेंटली देख कर तो फिर ज्वाइन करते हैं। उसके बाद कहते हैं अगर पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी क्या होती है, इसमें ये होता है कि सोशल मूवमेंट्स डेवलप करती हैं तब जब पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी इंसान के पास हो, जब इंडिविजुअल हैव डेवलप्ड सेंस कि उसने अब चेंज की ज़रूरत है और उस चेंज की ज़रूरत है और वो पॉसिबल है कि चेंज मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान को पाकिस्तान में लाना चाह रहे थे और लोगों को अवेयरनेस थी कि अब हमें हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज चाहिए, चेंज की जरूरत है, तो लोग क्या करना शुरू किया कि उन्होंने अब ये इमरान खान के पास पॉलिटिकल पावर भी थी थोड़ी, मतलब उनका इन्फ्लुएंस था, तो उन्हें जो है वो कम्युनिटी निकलना शुरू हुए। प्रोसेस थ्योरी में कहता है कि सोशल मूवमेंट वो जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनके पास और वो अवेलेबल होती हैं फिर जो है वो लोग ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान की जब वो आई तो काफी लोगों ने उस टाइम पे उनकी मूवमेंट एज अ स्टूडेंट वो इंसाफ फेडरेशन का क्या था वो ज्वाइन किया, तो अब जिन लोगों ने उनके साथ जो है काफी काम किया, उन्होंने देखा कि हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फ्यूचर में, तो वो अब उनके साथ हायर्ड भी हो गए हुए हैं काफी लोग। तो इस तरह से जो है वो सोशल मूवमेंट्स, उन सोशल मूवमेंट्स को लोग देखते हैं जहाँ पे उनको अपना पर्सनल बेनिफिट भी मिल रहा होता है और सोशल चेंज भी होगा, ठीक है, नीडेड है। कहता है कि सोशल चेंज फ्यूचर में किस तरह से हो सकता है, कहता है कि वर्ल्ड कंटिन्यूज टू चेंज एनवायरमेंटली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली, एज अ रिजल्ट द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस चेंजेस इन पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। ऑब्वियसली जब हर चीज चेंज हो रही है, डेवलप कर रही है, ग्रोथ की तरफ जा रही है, तो विद पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में किस तरह से चेंज आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस में किस तरह से चेंज आ रहा है, पॉपुलेशन में भी चेंज आ रहा है। तो कहते हैं चेंज इज वेरी मच नेसेसरी और ये सोशल एलिमेंट है। फिर कहते हैं कि चेंज जो है ये सोसाइटीज को बेनिफिट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सोशल चेंज बेसिकली है क्या, कहता है कि चेंज इज लॉ ऑफ लाइफ और सोसाइटी को चेंज करना हमेशा ये जरूरी होता है कि सोसाइटीज चेंज हो। कहते हैं चेंजेस स्लो भी हो सकते हैं, आइदर ये इतने इतने ज्यादा स्लो हो सकते हैं कि लोग परसीव भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे एंसेस्टर्स को देखें तो प्रीवियस टाइमिंग्स में देखा जाए तो सोच जो चेंज था वो नहीं नजर आ रहा था जी चेंज हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग एजुकेशन की तरफ बढ़े, आहिस्ता आहिस्ता वो लाइफ में कुछ करने लगे, आगे आए तो उनका जो चेंज की तरफ वो आया आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी देखें लाइट बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, गैस नहीं होती थी, आजकल ये चीजें अवेलेबल है। तो चेंज जो है वो समटाइम्स बहुत स्लो भी होता है। कहते हैं देर आर टाइम्स व्हेन देर आर सो रैपिड एंड ड्रास्टिक, लेकिन कुछ टाइम्स ऐसे भी होते हैं कि चेंज बहुत रैपिड और ड्रास्टिक होता है। आजकल जो चेंज हो रहा है वो हमें नजर आ रहा है कि बहुत रैपिड चेंज हो रहा है। कहते हैं हमारी पूरी लाइफ के हर स्फीयर के अंदर देखा जाए, इकोनॉमिक के अंदर देखा जाए, पॉलिटिकल के अंदर देखा जाए, एजुकेशन के अंदर देखा जाए, मेडिकल के अंदर देखा जाए, हर फील्ड के अंदर, फूड के अंदर देखा जाए, हर फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है और चेंज इज वेरी मच नेसेसरी फॉर आवर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। कहते हैं कॉमन फीचर सोशल चेंज के क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये यूनिवर्सैलिटी होती है, यूनिवर्सली सोशल चेंज होता है, पूरी दुनिया में चेंज हर जगह हो रहा होता है और चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कहते हैं चेंज एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो होता रहता है, चेंज होता रहता है तो डेवलपमेंट्स होती हैं, तो हम आगे फर्दर लाइफ की तरफ मूव करते हैं चीजों की तरफ। फिर कहते हैं वेरिएशन आती है, सोशल चेंज जो है वो एक टाइम के ऊपर होगा, स्पेसिफिक टाइम में वो देखा जाता है, टाइम समटाइम्स हाई है समटाइम्स लो है, हाई होता है टाइम तो चेंज बहुत फास्ट हो रहा होता है ड्रास्टिक, अगर टाइम लो चल रहा है तो चेंज चल रहा होता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है कि वो चल रहा होता है बट चेंज थोड़ा सा स्लो हो रहा होता है। फिर कहते हैं कि चेंजेस जो है कंसिडर कब होती हैं, जब ये बहुत लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करती हैं, जब अफेक्ट करती हैं उसके बाद कंसिडर होता है कि जी ये हाँ अब जो है एक सोशल चेंज आया इन सोसाइटी के अंदर। ओके आफ्टर दैट प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि
एक्सपीरियंस करते हो आप किसी भी इवेंट को, किसी भी चीज को, किसी भी लैकिंग्स को, किसी भी डिसकंटेंट डिससेटिस्फैक्शन को एक्सपीरियंस करता है एक इंसान के, मेरी जिंदगी में जो है वो ये प्रॉब्लम है। अगर आप इंडिविजुअली देखा जाए तो वो जो प्रॉब्लम है वो, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल है जो जॉब कर रहा है, जॉब सर्कल के अंदर है, ठीक है, जॉब करता है, उसकी सैलरी बहुत थोड़ी है और उसका गुजारा नहीं हो रहा। वो फील करता है कि मैं जो हूं ना क्या करूं, कि यार मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे सैलरी इतनी मिल रही है, मेरा गुजारा नहीं हो रहा है और मेरी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो उसका एक्सपीरियंस है, उसने एक्सपीरियंस किया है, इस चीज ने उसका एटीट्यूड बनाया है। वो कहता है मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए, आई शुड गो फॉर बिजनेस जो है सर्कल, तो मैं वहां पे जो है कोशिश करता हूँ। उसने अपना एटीट्यूड बना लिया कि मुझे अब जॉब नहीं करनी, मुझे बिजनेस की तरफ जाना है। फिर उसके थॉट पैटर्न्स के अंदर चेंज आना शुरू हुआ, चेंज आना शुरू हुआ। उसने सोचा कि यार मैं किस तरह से स्टार्ट कर सकता हूँ अपना बिजनेस, मैं क्या क्या करूँ इसमें, मुझे कौन से रिसोर्सेज चाहिए। उसने अपना एक प्लान बनाया, उसने थॉट्स जो है उसके ऊपर चलाना शुरू कर दी। उसके बाद उसने अपने सोशल इंटरेक्शन देखी, उनमें चेंज किया। जो लोग ओनली जॉब कन्फाइंड लोग हैं, जो सिर्फ जो जॉब करें वो जॉब्स के अलावा सोचते नहीं हैं, तो उसने क्या किया, अपना सोशल स्ट्रक्चर इस तरह से कर लिया कि वो उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया उसने जो बिजनेस की तरफ है। तो जब उसने सोशल इंटरेक्शन में चेंज किया तो उसके सोशल रिलेशंस चेंज हो गए, जब सोशल रिलेशंस चेंज हुए तो सारे रिलेशंस में वो लोग आ गए जो बिजनेस ओरिएंटेड थे। तो अब यहाँ पे आके उसका पूरा सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है और आ रहा है वहां पे, वो जो भी कंपनी खोलता है, जो भी वो काम करना चाह रहा है, जो बिजनेस ओरिएंटेड उसका प्लान था, अब वो यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर देगा। जब वो इम्प्लीमेंट करेगा तो उसने एक सोशल चेंज ले आया है, ठीक है, कि उसने माइंडसेट अपना चेंज किया है। उसके बाद वो लोगों का माइंडसेट आगे चेंज करेगा, या वो एंटरप्रेन्योरशिप की जी वो बिजनेस स्टार्ट कर दे करने के बाद वो क्लासेस करता है, वो ग्रूमिंग करता है, कितने मेंटर्स होते हैं जो इस पे बात करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप जॉब से निकल के बिजनेस साइड पे आओ, इस तरह करके। तो वो फिर कम्युनिटी को चेंज करता है, वो सोसाइटी को चेंज करता है, उसने अपना एनवायरनमेंट सर्कल खुद से सेल्फ से चेंज किया, बट अब वो सराउंडिंग्स की तरफ जाएगा। तो दिस इज हाउ जो है वो सोशल चेंज होता है। सोशल चेंज की प्रोसेस में सबसे पहले आपका सोशल एक्सपीरियंस मैटर करता है, जो आप एक्सपीरियंस आप सेल्फ अपनी जात के साथ करते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टोटल सोशल चेंज। सो बट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, today we have discussed the social change, and let me tell you, today we have discussed social movements and social change, in which we have studied what social movement is and types of social movements. We have studied reform movements, revolutionary movement, religious movements, alternative movements and resistance movements. We have discussed each of these types in detail. After that we have discussed stages in social movement: preliminary stage, coalescence stage and institutionalization stage. After that we have discussed social movement theories: relative deprivation, resource mobilization and political process theory. And then we have studied social change in the future, what is social change, its common features and what is the process of social change. So this is all about today. I hope today's lecture is clear to all.